हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निजेंट ऑन कैंपस जाइव के बारे में। तो जी हाँ गाइस, कॉग्निजेंट में इस समय पूल कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि हम मैक्सिमम वीडियो ऑफ कैंपस जाइव पे लाते हैं, लेकिन पहला वीडियो ये हमारा है ऑन कैंपस जाइव के बारे में। तो गाइस, जिन लोगों को पता नहीं है कि ऑन कैंपस जाइव क्या होता है, पूल कैंपस जाइव क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा गाइस। पूल कैंपस जाइव में ये होता है कि पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में वो कंपनी आती है, जहाँ पर आप जाकर पहुँच सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कॉग्निजेंट जो कंपनी है, वो नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में, जो कि तमिलनाडु में ये कॉलेज है, यहाँ पर पूल कैंपस करा रही है। तो यहाँ पर ये कंपनी इस डेट को आएगी। डेट जो है आपका 21 दिसंबर 2019 है, और आपका जो टाइमिंग वो 8:30 बजे मॉर्निंग का है। तो इस टाइम तक अगर आप पहुँच जाएंगे तो आप इंटरव्यू दे करके, टेस्ट दे करके सिलेक्शन पा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको इस वेबसाइट पर जा करके पूरी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस जॉब से रिलेटेड, इस पूल कैंपस ड्राइव से रिलेटेड, कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम गाइज बात करेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जैसा कि ऑन कैंपस ड्राइव पर पहला वीडियो है, तो अगर आपको नेक्स्ट किसी पूल कैंपस ड्राइव पर वीडियो चाहिएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपका है कॉलेज का नाम। तो इस कॉलेज में रिक्रूटमेंट चल रही है, कॉग्निजेंट की तरफ से हायरिंग चल रही है। तो इसका एड्रेस के बारे में बता देते हैं गाइस। तो एड्रेस इसका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काका पलायम PO सलेम 637504। इसका पिन कोड है तमिलनाडु में, बेसिकली ये कॉलेज है। इस कॉलेज का आप लोकेशन गूगल मैप से भी निकाल सकते हो, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पर जो डेट है आपका पूल कैंपस ड्राइव का, वो है आपका 21 दिसंबर 2019। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है ताकि आप 21 दिसंबर 2019 को पहुंच सके। तो पूरी बात हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो डेट एंड टाइम आपको साथ पता चला गया गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी 2018 एंड 2019 बैच के पास आउट स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, लाइक BE BTEC किसी भी ब्रांच से, आप पर्टिकुलर कोई भी ब्रांच से अगर आपने BE या BTEC कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ME या MTEC की डिग्री है किसी भी ब्रांच से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में अगर आप MSc किए हैं 5 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री के साथ, या फिर अगर आप MCA किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है कि आपके पास करेंट टाइम में कोई भी एजुकेशन में बैकलॉग या फिर एरियर नहीं होनी चाहिए। और आपके पास एजुकेशन में अगर आपका 2 ईयर्स गैप है तो हो जाएगा, लेकिन 2 ईयर्स से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 1 ईयर का गैप या 2 ईयर का गैप है एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 2 ईयर से ज़्यादा गैप है एजुकेशन में तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में, 12th में, UG एंड PG में। साथ ही में यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके पास रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी कि आपका वर्बल एंड रिटन दोनों को स्किल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, आपका जो पोस्ट है वो इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं डिजाइनेशन पे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का पोस्ट है। तो आपके बारे में गाइस, यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आप फुली डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस बात करते हैं, तो जो सबसे पहला राउंड होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट राउंड होगा। ऑनलाइन टेस्ट राउंड को क्लियर करने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका होगा वॉइस असेसमेंट एंड HR इंटरव्यू। तो HR इंटरव्यू को आप सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। सैलरी पैकेज मैं आपको गाइस बताना चाहूँगा, 3.38 लैक्स पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज है। अगर आप स्टिल जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो आई होप आपके लिए बेस्ट जॉब होने वाली है। तो आप देख सकते हैं INR 3.38 लैक्स पर एनम इसका सैलरी है। वर्क लोकेशन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉग्निजेंट का जो आपका ब्रांच है वो इंडिया में कई सिटीज़ में है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में आपको जॉब करने के मिल सकता है, यानी कि इंडिया में आपको किसी जगह शिफ्ट कराया जा सकता है। साथ ही में आपका वर्क जो है यहाँ पर शिफ्ट या डोमेन में हो सकता है। अगर आपको कोई स्टिल कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत है, आप किसी से कोई कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स में आज कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, जिसके बारे में, इस जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, इस ड्राइव के बारे में आप नॉलेज ले सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके या फिर कांटेक्ट करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज का एड्रेस भी उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल KIOT कैंपस काका पलायम PO। यानी कि KIOT के बारे में जानते हैं गाइस, तो KIOT में इसमें हायरिंग चल रही है सलेम में। इसका वेबसाइट भी यहाँ पर है www.KIOT.EC.IN। यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी है। आपको क्या करना है, आपको सीधे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको मिल जा रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुँच जाओगे। इस पेज पे आपको कॉग्निजेंट ड्राइव का
सीधा यहाँ पर सारे डिटेल फिल करना है। यहाँ पर गाइज आपको रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, सारे डिटेल को फिल करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप इजली रजिस्टर कर जाओगे, अप्लाई कर जाओगे, और उसके बाद आपको डेट एंड टाइम वो लोग मेल करेंगे, या फिर अगर मेल ना करें तो भी आप उस टाइम पर आप पहुँच जाइएगा। आपको क्या करना है, पहुँचने के बाद आपको देखिए यहाँ पर गाइज 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जो कि आपका विजुअल इन लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। रिज्यूमे भी आपको लेकर जाना है, 2 पेज का रिज्यूमे मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिज्यूमे आपका नहीं होना चाहिए। और आपका एकेडमिक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें आपका एक ओरिजिनल एक फ़ोटो कापी सर्टिफिकेट होना चाहिए वेरीफिकेशन के लिए। यहाँ पर कैंडिडेट को एक फ़ोटो कापी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज, यानी कि वेरीफिकेशन के लिए आपको एक आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज दोनों ले जा सकते हैं। तो कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेजेंट रहना होगा कि IoT के आपको प्लेसमेंट सेल में 21 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग के 8:30 बजे। तो आप गाइज आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और इस पेज के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ आप सारी चीज़ों को चेकआउट भी कर सकते हो। और आपको दूसरे वाले पेज से यहाँ से आपको करना है सारी चीज़ों को फिल करके सबमिट। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको स्टिल वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करके आप तक पहुंचा सके। तो हमें मोटिवेट करते रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।